चलो भाई, ये काफी कबाड़ मच गया है यार। वो देखिए रैबिट्स कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। हमारा कामयाब तजर्बा हो गया है, तो अब जाना बाकी रह गया है चांद से अगले किसी प्लेनेट पे, तो इंशाल्लाह वो भी हम जाएंगे। हाँ जी सोनू शेरू, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो ना? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स और आपके घर वाले खैर वाफिया से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है जुमा मुबारक, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी रसूलल्लाह व अला आलिक व अस्हाबिका या सैयदी खातमुन नबिय्यीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ही बड़े मज़े में है, सुकून में है, और अल्लाह का शुक्र है। जिस चीज़ की मुझे टेंशन थी कि यार इनको ना मक्खी वगैरह तंग करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीन। उतरो, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक हो ना यार? ये दोनों आपस में साथ साथ नहीं बैठते, इसका मतलब ये है कि इनका जोड़ा अभी नहीं लगा। अयान ऐसा ही है ना यार? आप चप्पलें नहीं पहन कहते, ये बहुत ही गंदी हरकत है। तो लवर्स, क्या हाल चाल है आपका? आप सुबह सुबह आपको हमने डाला है लोशन। अब मैं जाने लगा हूँ ऊपर अपने चिक्स चेक करने के लिए कि चिक्स क्या कर रहे हैं। वाइट वाली फीमेल वो सामने बैठी है और बाकी ये वाली इधर है। चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं और अल्लाह का शुक्र है चारों बेबीज बहुत ही ठीक ठाक और हेल्दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है यार? डे लाइट इतनी है कि मोबाइल से पता ही नहीं चलता, तो कोई बात नहीं, हम अभी चेक कर। तो भाई इसके लिए मुझे सीढ़ी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो अब कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये तो हैं रेड आइज। वाह जी वाह, ये ऊपर से देखते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए ओए, एक ब्लैक है और एक रेड है। नहीं जी जी, आपने क्या देखना है इसको? कोई नहीं देखना दुखना, आप ऊपर आ नहीं सकते इस वजह से। तो अब वापस इसको बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों चिक्स और चारों चिक्स वहाँ के बिल्कुल ठीक ठाक हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें से एक है ब्लैक आइस और एक है रेड आइस। तो यार ये हमारे रैबिट्स, खरगोशो बंदे बन जाओ यार, कोई बच्चे बुच्चे दे दो यार, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये अयान साहब की हरकतें हैं कि मैंने जहाँ पे बैठना होता है इसने मेरे साथ चिपक जाना होता है। तो हमारे अब बस खरगोशों के बच्चों का इंतजार है। ओए गला दब रहा है, खरगोशों के बच्चों का इंतजार है कि वो कब बच्चे देंगे। तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यार वो जल्दी जल्दी से बच्चे दे दें। क्या कह रहे हो? तो ये भी तीन ही हैं, और कितने हैं ये? वो देखो, वो साथ जुड़ के बैठे हुए, इस वजह से नहीं पता चल रहा। वो देखो वो साइड, वो नीचे बैठा हुआ, आ गया नजर। हाँ भाई, क्या हाल है, क्या देख रहे हो, कितने गुस्से से देख रहे हो यार? इसकी तो सारी शक्ल ही चेंज हो गई है। असल में इसका फेस जो था वो आपको पता ही है कि माशाल्लाह बड़े ही क्यूट क्यूट फेस था। इसके आगे वाले बाल भी बने हुए थे, फेस के ऊपर, नोज के ऊपर भी अच्छे खासे बाल थे। तो अब जो है वो नहीं रहे और बिल्कुल प्लेन हो गया, क्लीन शेव हो गया, तो इस वजह से इसकी लुक चेंज हो गई। तो फाइनली फ्रेंड्स, केज मैंने यहाँ पे उतार के रख दिए हैं और बस तैयारी चल रही है हमारे इन वाले केजेस की, क्योंकि इनकी सेटिंग, जैसा कि आपको बताया था कि इनको मैं इस वाली लाइन पे लेके आने लगा हूँ जहाँ पे ये अयान खड़ा है। तो अब बस तैयारी तकरीबन हो गई है, तो इनको उठाना है और यहाँ पे लगाना है, लेकिन उससे पहले इनकी थोड़ी सी और प्रिपरेशन होगी। इनके नीचे मैं ये लकड़ी के पाए लगा रहा हूँ ताकि इनकी हाइट ऊपर हो जाए, ताकि नीचे जो ये रैबिट्स वगैरह छुप जाते हैं। और सफाई के लिए जो असल मामला है ना, वो है सफाई का। सफाई के लिए थोड़ी अच्छी जगह बन जाएगी और सफाई इसकी साथ साथ रहेगी और इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो बस कुछ ही देर में ये हमारे केजेस लग जाएंगे, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसे इस साइड पे भी लग जाएं और इस साइड पे भी लग जाएं तो कैसा रहेगा यार, वो भी करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम फुल रश डाल दिया मैंने पिंजरों का अपने फ्लाइंग केज के अंदर। तो असल में आपको बताइए, मैंने बताया कि इसको हम लगाने लगे यहाँ पे, तो मैंने सोचा यार जहाँ पे सोचा हुआ है इसको वहीं पे लगाते हैं। तो ये वो जगह है और मैं हूँ अकेला, तो देखते हैं अकेला बंदा क्या कर सकता है। कोशिश तो पूरी है कि इंशाल्लाह इसको कर लूँ, करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा जुगाड़ हो गया है कामयाब, और वो देखें वो पायों के ऊपर ये हो गया है पिंजरा हमारा खड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो प्लान था
बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हुआ है और यार बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन असल में ना अब इसको चाहिए स्पोर्ट, क्योंकि अभी इसके अंदर जो प्ले है ना उस प्ले को ख़त्म करना है, और वो प्ले ख़त्म करना भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनकी सिक्योरिटी, क्योंकि जब बर्ड्स ने यहाँ पर आना है जाना है तो फिर ये प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट ना हो। वैसे ये गिरता तो नहीं, लेकिन ये राइट लेफ्ट इधर उधर जाएगा, इधर से इसको इधर की सपोर्ट मिल जाएगी, इधर से इसको दीवार की सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन उसको भी हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में आपको वो भी दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये है वो जुगाड़ जो मैंने लगाया है इसको, जिसके जिस साथ इसकी हो गई है। ये देखिए मैं इसको हिला भी रहा हूँ तो इसके अंदर प्ले नहीं है, और इतनी प्ले तो ये जब इनको ज़मीन पर आप ईंटों के ऊपर भी रखेंगे ना तब भी जाकर इतनी प्ले तो होती है, क्योंकि इनकी हाइट जो होती है वो टावर टाइप होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैं इसको यहाँ से हिलाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें वो प्ले ख़त्म हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब तजर्बा हो गया है। तो अब जाना बाकी रह गया है चांद से अगले किसी प्लानट पर, तो इंशाल्लाह वो भी हम जाएँगे। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तानी कोई जाएगा ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पे इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम की खातिर जाएगा, जाके बताएगा, पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करेगा और इस्लाम का किला सर बुलंद करेगा। तो अब अजान जुमा शुरू हो चुकी है, तो जुमा के बाद मिलते हैं, तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ने। हाँ भाई कबूतरो, क्या हालचाल है आपका, ठीक हो? तो जुमे के बाद अब हम आए हैं दोबारा छत पे, तो मैंने कहा यार सबसे पहले इनको तो खोला जाए। तो हमारा जो अंदर वाला काम है वो भी बस अभी कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काम तो तकरीबन जो फाइनल अच्छे वाला काम था, मतलब मुश्किल वाला जो काम था, वो मैं जुमे से पहले कर गया था, और वो आगे वो आगे भाई क्या बात, बहुत आला, माशाल्लाह। चलो भाई इनको खेलने दो, इनको उड़ाना नहीं है, नहीं तो डर के ये भी उड़ जाएगी। उधर चलो, उधर पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे आ जाओ, मौसम का इंजॉय करो। शाबाश यार, यहाँ पे आप बैठ के इनका ध्यान रखना, कोई बिल्ली ना आ जाए, तो मैं अंदर जाके थोड़ा सा काम कर लूँ, ठीक है? शाबाश, चलो तो हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाके जो काम पेंडिंग है उसको करते हैं ख़त्म। आहा, चलो भाई, ये काफ़ी कबाड़ मिच गया है यार, वो देखिए रैबिट्स कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, और ये इसका क्या क्या हाल हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये अब हम आ गए हैं। तो फिर टेंशन किस बात की है, जब मैं आ गया हूँ तो फिर क्यों घबराना है? तो बस 5 मिनट का काम है और हमारा ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये बर्ड्स ना बड़े आपस में एक दूसरे के साथ परेशान है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर से इधर देख रहा है, क्योंकि इस वाली स्टिक पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जाहिर बात है, अब मेरे ख्याल से ऊपर नीचे तो क्या नहीं, सब कुछ ठीक था वैसे ही है, लेकिन वैसे ही एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ यार कि शायद बर्ड चेंज हुए हैं, लेकिन मैंने अब देखा है गौर से दोबारा कि बिल्कुल उसी तरह की सेटिंग जो यहाँ पे लगी हुई थी वही सेटिंग वहाँ पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इस टाइम ये हमारे पास इतनी जगह जो है वो हो गई है खाली। तो ये वाला जो केज था एक्स्ट्रा, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर लगाते तो भी फिर ऊपर वाला जो कुत्ता ना वहाँ पर फीमेल ने आना जाना मुश्किल कर देना था। तो ये है आज का हमारा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सा लुक। और बस असल में अब ना इनको यहाँ राइट लेफ़्ट से अच्छी खासी वेंटिलेशन वाली हवा मिल जाया करेगी। वहाँ होता था पीछे थोड़ी दीवार थी, लेकिन वहाँ पे भी हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी इसको हमने खाली इसीलिए छोड़ा कि यहाँ पे हम कुछ करेंगे। तो बस कर दो समो जी। तो अब अयान साहब को मैंने कैंसिल आने का बोला, क्योंकि ये जो फ्लेक्सन है या नीचे वाली ये एक्स्ट्रा और फटी सी है, तो मैंने कहा यार इसको यहाँ से कट करते हैं और फिर सफाई होने वाली है इसकी, सफाई अभी नहीं करेंगे, सफाई करेंगे कल सुबह। तो इसके साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड, उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। ओए चुप कर जा बदमाश। तो वो देखिए जैसे उसको पता लगता है ना मैं व्लॉग एंड करने लगा हूँ, तो वो चीखें मारना शुरू कर देता है। तो चलो आओ जी बताओ, आज आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना, बताओ। आप कहते हैं ना मैंने वीडियो बनानी है, मेरे ऊपर मुझे भी गिरा देते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा व्लॉग, तो हमें यकीन है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा, नमाज कायम करें। अल्लाह हाफिज़।